वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें एक और ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा एक्चुअली ये था, ठीक है। तो हमें ये 30 दे दिया गया है, ये 20 दे दिया गया है, और बोल दिया गया है कि ए डी जो आपका डायमीटर, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ए बी जो आपका ये डायमीटर है, आपको डी बी सी निकालना, मतलब ये एंगल निकालनी है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला बात कि एक ये कॉर्ड है बी डी, इसी कॉर्ड से ये एंगल बना है 30, मतलब ये देखिए आप, तो और इसी कॉर्ड से ये वाला भी बना है, तो ये आपका 30 हो गया। तो अगर ये 30 है, अब हमें निकालना क्या है, देखिए। तो ये आपका डायमीटर था ए डी, तो अगर ए डी डायमीटर था, ये पूरा 90 हो गया। अब अगर इस ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे, तो अगर ये 90 है, तो इन दोनों का योग भी 90 होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर ये 90 है, तो ये 70 हो गया। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे बी सी डी में, ये अगर 70 है, तो इन दोनों का मान भी 70 ही होना चाहिए था। तो ये 70 है, तो ये 40। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास, इस ट्राइंगल का अपोजिट ये साइड पता है, तो इसके सामने वाले दोनों भुजाओं का योग इन दोनों के बराबर होगा। तो जैसे हम लोग बी डी पी के, मैं छोटा डायग्राम बनाकर दिखा सकता हूँ, ये बी डी पी था, तो ये हमारा 90 था, तो ये 20 है, तो ये 70 हो गया। सेम चीज़ अगर इस ट्राइंगल में आएंगे बी सी डी में हम लोग, तो ये बी सी डी ऐसे बना देते हैं हम लोग, बी सी डी, ये आपको दिया गया था 70, ये आपको दिया गया था 30, तो ये हो गया आपका 40। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फ्रेंड्स।